गुड मॉर्निंग एवरी वन, माई सेल्फ शिखा शर्मा, असिस्टेंट टीचर ऑफ आरबील पब्लिक स्कूल स्टूडेंट। दिस वीडियो इज फॉर स्टैंडर्ड फोर्थ, सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर नंबर 10 एंड द चैप्टर नेम इज मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज, पदार्थ और उसके गुण। नाउ आई एम गोइंग टू रीड, लिसन टू इट केयरफुली। एनीथिंग दैट हैज वेट एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। एनीथिंग, कोई भी चीज दैट हैज वेट, जिसमें वजन होता है और ऑक्यूपाइज स्पेस और जो जगह घेरता है, इज कॉल्ड मैटर, उसे पदार्थ कहते हैं। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मैटर। जो भी इस पृथ्वी पर जितनी भी चीजें हैं उसमें क्या है, मैटर है। वो सारी चीजें क्या है, पदार्थ है। ऑल द मैटर इन द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ऑल द मैटर, सभी पदार्थ इन द वर्ल्ड इस संसार में सभी पदार्थ इज मेड ऑफ टिनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे कणों से बने हैं। कॉल्ड एटम्स, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। टू और मोर एटम्स, दो या दो से अधिक परमाणु, फ्रॉम मॉलिक्यूल्स बाई ज्वाइनिंग टूगेदर, दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, परमाणु अणु बनाते हैं। दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। दे आर सो स्मॉल, वे बहुत छोटे होते हैं। दैट वी कैन नॉट सी देम, जिन्हें हम, वो इतने छोटे हैं कि हम उन्हें देख नहीं सकते। देर आर वैकेंट स्पेसेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत सारा जो स्पेस होता है वो वैकेंट होता है, खाली होता है। विच वी कैन नॉट सी, जिसे हम नहीं देख सकते। द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर स्पेस। द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, इंटरमोलिकुलर मीन्स आणविक स्पेस कहते हैं, उसे हम आणविक स्पेस कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है स्टेट्स ऑफ मैटर, जो पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं वो क्या होती हैं। मैटर एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट, जो मैटर होता है उसको हम तीन अवस्थाओं में देखते हैं, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। सॉलिड में देखते हैं, सॉलिड क्या होता है, जो ठोस होता है, लिक्विड क्या होता है, तरल, लाइक जस्ट लाइक वाटर एंड गैस। यू कैन नो दैट कि व्हाट इज गैस, सॉलिड ठोस। सॉलिड हैव अ फिक्स साइज एंड शेप, सॉलिड का जो शेप होता है, आकार होता है और साइज होता है वो कैसा होता है, फिक्स होता है, एक जैसा रहता है। दे कैन नॉट चेंज, वो अपना साइज चेंज नहीं कर सकता। देयर शेप एंड साइज इजली, वो आसानी से अपना शेप और साइज चेंज नहीं करता। दिस इज बिकॉज द मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड्स आर टाइटली पैक्ड, यह वो अपना साइज क्यों नहीं चेंज कर सकता, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के वजह से, क्योंकि ये सॉलिड में टाइटली इसके अंदर होता है, टाइटली पैक्ड होता है। दे हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, इसका जो आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, आयतन, वो भी फिक्स होता है, समान होता है, एक जैसा रहता है। सेकंड लिक्विड, लिक्विड मींस तरल। लिक्विड्स डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप, लिक्विड की कोई भी निश्चित शेप नहीं होती, कोई उसका आकार नहीं होता है। दे हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, उसका आयतन डेफिनेट होता है, निश्चित होता है। द मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड्स आर लूजली पैक्ड, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं अणु होते हैं, लिक्विड्स में जो तरल में अणु होते हैं, आर लूजली पैक्ड, उसमें काफी कम मात्रा में होते हैं, लूजली पैक होते हैं। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर पोर्ड, उसको जिस भी कंटेनर में या किसी भी जिस बर्तन में भी रखोगे वो उसी का शेप ले लेते हैं। थर्ड क्या होता है, गैस, गैस हैज नो फिक्स शेप एंड साइज, गैस का भी कोई शेप नहीं होता, कोई साइज नहीं होता। इट फिल्स ऑल द अवेलेबल स्पेस, ये सारा जो उसे जितना भी स्पेस मिलता है वो सारी जगह को भर देती है। बिकॉज द मॉलिक्यूल्स इन गैस आर वेरी लूजली पैक्ड, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स जो अणु होते हैं गैस में, वो बहुत लूज पैक्ड होते हैं। दे डू नॉट हैव डेफिनेट वॉल्यूम, और वो उनका आकार, वो सॉरी, और उनका आयतन, वॉल्यूम इन आयतन निश्चित नहीं होता है, डेफिनेट नहीं होता। इफ यू ब्लो एयर इन टू अ बैलून, अगर आप किसी भी बलून में एयर ब्लो करेंगे, मतलब हवा भरेंगे, इट टेक्स अप लेस स्पेस, यह बहुत कम जगह घेरेगा इन द बैलून में, देन इट टुक आउटसाइड, और ये फिर बाहर
निकाल देगा। नाउ यू कैन सी द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। जो सॉलिड लिक्विड गैसेस की जो अवस्थाएं होती हैं वो क्या होती हैं? डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, कैन नॉट फ्लो, कैन बी स्टोर्ड एनीवेयर। लिक्विड्स की क्या होती है? नो डेफिनेट शेप बट हैव डेफिनेट वॉल्यूम, टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, कैन फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, कैन नॉट बी स्टोर्ड विदाउट अ वेसल। गैसेस नो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, फ्लो इन ऑल डायरेक्शन, कैन बी स्टोर्ड इन क्लोज वेसल। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, ये सारा वही है। नेक्स्ट, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। मैटर इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। जो मैटर होता है वो चेंज होता रहता है। दीज चेंजेस आर ऑफ टू टाइप्स। ये जो चेंजेस होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कैसे होते हैं दो तरह के? फिजिकल चेंजेस, एक होता है फिजिकल चेंज होता है, मतलब भौतिक चेंजेस, जो भौतिक परिवर्तन होते हैं वो, और केमिकल चेंजेस, और कौन से होते हैं? रासायनिक परिवर्तन, जिन्हें हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। फिजिकल चेंजेस क्या होता है? यू कैन सी हियर, When a substance undergoes a change without forming new substance, it is called a physical change. जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ को बनाए बिना परिवर्तन से गुजरता है या उसमें कोई परिवर्तन होता है तो उसे हम physical change कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। For example, melting of candle. जो कैंडल जो मेल्ट होती है, मतलब मोमबत्ती जो पिघलती है, लाइटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, और जो इलेक्ट्रिक बल्ब की जो रोशनी होती है वो किसके एग्जांपल है? फिजिकल चेंजेस के। सेकंड, केमिकल चेंज, व्हेन अ सब्सटेंस